इस बार मेले का मुख्य आकर्षण एक तो आपको उसकी साज सज्जा और व्यवस्था में नज़र आएगा। खाने पीने और सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर दिया गया है वहाँ पे। और जो मेले के पहले दिन हमने अपना देश की बहुत ही विख्यात भजन सिंगर जो हैं, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ी हुई हैं, गीतांजलि रॉय, उनको बुला रहे हैं। मेले में जितने भी तीनों दिन जो प्रोग्राम है वो सब इसी तरीके की और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, कोई भी ऐसा प्रोग्राम अलग से नहीं रखा गया। ये इसकी बड़ी व्यवस्था रहेगी इस बार। कब से कब तक चलेगा ये मेला? 3 दिन अपना 10, 11 और 12 अक्टूबर है, क्योंकि शाम को 6 बजे से लेके रात को अपना यूजुअल 11-12 बजे तक चलता है। रोटरी कितने वर्षों से कराती आ रही है? रोटरी मेला पिछले 34 वर्षों से लगाती आ रही है, ये इस बार 35वां विशाल दशहरा मेला। बरेली मेला ग्राउंड में रोटरी क्लब बरेली साउथ 35वां दशहरा मेला 10, 11, 12 अक्टूबर को आयोजित करने जा रहा है, जिससे कि जनता रोटरी से जुड़े और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाए, अच्छे भोजन का आनंद उठाए और परिवार के साथ एक अच्छा अच्छे वातावरण में मेले का आनंद उठाए। जैसा बताया गया कि रोटरी क्लब बरेली साउथ पिछले 34 वर्षों नए नए प्रोडक्ट जो मार्केट में आते हैं वो सारे एक जगह दिखाई अपने स्टॉल्स वहां पर लगाते हैं, और कभी कभी बहुत अच्छी चीजें बड़ी सस्ती चीज दामों में वहां मिल जाती हैं। ये फेस्टिवल मूड प्रारंभ हुआ है, जैसे ही नवरात्रि शुरू होते हैं तो एक फेस्टिवल मूड में आदमी आता है और इस फेस्टिवल मूड का एक बजट भी बनाता है। ये जैसा बताया गया कि हम पिछले 35 साल से लगा रहे हैं, 35वां मेला है, तो इसमें जो भी धनराशि हम बचाते हैं वो केवल समाज के लिए बचाते हैं, उसमें कुछ हम और जोड़ते हैं अपने पास से, और समाज के विभिन्न अंगों को जहाँ ज़रूरत है, जैसे कि विकलांग, कुछ लोग जिनके पैर काम नहीं कर रहे उनको हम ट्राईसाइकिल देते हैं ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें, जिनको ऐसा है कि जिनके पैर बना करके लगाए जा सकते हैं उनको पैर बना कर लगाते हैं बिल्कुल निःशुल्क, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, डिस्पेंसरी हम चला रहे हैं, तो इस तरह के समाज के उन लोगों को जो वाकई सक्षम नहीं है, या मैं आप ये कहूँ कि जिन पर भगवान भी इतना मेहरबान नहीं हुआ कि वो स्वयं में सक्षम हो, उनको ये समाज के उस अंग से, समाज के उस वर्ग से जो हम कमाते हैं वो समाज के उसी वर्ग पर लगाते हैं ताकि वो अपना जीवन में मुख्य धारा से जुड़ सकें।